हैशटैग द स्कॉलरशिप सीरीज और वीडियो नंबर 3 में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे एर्गो स्कॉलरशिप को लेकर। 3-4 इसमें भी आपकी यूनिवर्सिटीज है जिसमें हम डील करते हैं, उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। डेडलाइन, देन योर प्रोफेशनल रैंकिंग, बेनिफिट्स, डॉक्यूमेंट्स रिक्वायर्ड, सब कुछ जानेंगे, तो इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। नाउ द फर्स्ट थिंग फर्स्ट, कितना अमाउंट मिलेगा? अगेन अराउंड 7,20,000 इंडियन रुपीज आपको इसमें मिल जाते हैं, ऑफकोर्स विच कैन बी रिन्यूड एवरी ईयर बेस्ड ऑन योर मेरिट्स। मेरिट्स को स्कोर करना बहुत ज्यादा बड़ा टास्क नहीं रहेगा आपके लिए, दैट मीन्स आप इजीली इसको रिन्यू करवा सकते हैं एवरी ईयर। नाउ डेडलाइन की बात करेंगे तो इसको आपको सबमिट करने की डेडलाइन है 30 अगस्त 2024। बेनिफिट्स रिमेन सेम, सबसे पहले आपका ट्यूशन फीस वेवर, फॉलोड बाई योर कैंटीन सर्विसेज, अकोमोडेशन, एंड जितना भी अमाउंट आपका बचता है दैट विल बी इन योर इटालियन बैंक अकाउंट। दिस इज व्हाट यू गेट इन दिस कॉल। नाउ रिक्वायरमेंट्स की आप मुझसे बात करेंगे, फर्स्ट थिंग इज कि आपकी जो यूनिवर्सिटी है वो एमिलिया रोमानिया रीजन से होनी चाहिए, एंड सेकंड इज योर फैमिली इनकम विच शुड बी बिलो 22 लाख इंडियन रुपीज। एप्लीकेशन की आप बात करेंगे तो बिल्कुल ये एर्गो के ऑफिशियल जो पोर्टल है उस पर आपको एप्लीकेशन करना है। डॉक्यूमेंटेशन के बारे में मैं आपको बताऊं तो आपको वो तीनों डॉक्यूमेंट लगने वाले हैं। फर्स्ट इज योर फैमिली इनकम सर्टिफिकेट, यहाँ पे आपकी फैमिली की इनकम एंड ऑल डिटेल्स रहती है, अलॉन्ग विथ योर रिलेशन विद फैमिली मेम्बर्स। एंड ये जो आपका डॉक्यूमेंट बनेगा इट विल बी ऑफ 31 दिसंबर 2023। देन सेकेंड इज योर बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट, अगेन द सेम थिंग, बैंक बैलेंस सर्टिफिकेट बनवाना है, बैंक स्टेटमेंट नहीं चाहिए, इट शुड बी ऑफ 31 दिसंबर 2023। उस दिन आपका वो बैंक में कितना बैलेंस था उसका एक सर्टिफिकेट बनेगा, विच इज योर सेकेंड डॉक्यूमेंट। एंड थर्ड डॉक्यूमेंट इज योर प्रॉपर्टी सर्टिफिकेट, इसमें आपको दिखाना है कि आपकी वो आपके पास कितनी प्रॉपर्टी है, आपके घर का कितना स्क्वायर मीटर में आता है। आफ्टर दैट इन केस अगर आप रेंट पर रहते हैं तो आपको ईयरली रेंट शो करना है आपके घर का, विच शुड ऑल्सो बी ऑफ 31 दिसंबर 2020। नाउ प्रोविजनल रैंकिंग की आप मुझसे बात करेंगे तो इट विल बी रिलीज्ड ऑन 10th सितंबर 2024, एंड इसी में आप वो मुझसे बात करते हैं स्कॉलरशिप की रैंकिंग। देन आपकी जो बैचलर्स की रैंकिंग है इट विल बी रिलीज्ड ऑन 14th अक्टूबर, एंड फॉर मास्टर्स इट विल बी रिलीज्ड ऑन 28th अक्टूबर। वैसे आपका ये स्कॉलरशिप का प्रोसेस आप हमारे थ्रू भी करवा सकते हैं, सिंपली कॉल अस ऑन दिस नंबर टुडे, और आपका जो स्कॉलरशिप का पूरा वो प्रोसेस है कॉल से लेकर बिल्कुल आखिरी तक हम आपको असिस्ट कर सकते हैं, तो हमारे थ्रू भी आप ये प्रोसेस करवा सकते हैं। नाउ फाइनल रैंकिंग की मैं आपसे बात करूं तो जो फाइनल रैंकिंग है अकोमोडेशन की दैट विल बी रिलीज्ड बाय 20th सितंबर 2024, एंड जो आपका स्कॉलरशिप का फाइनल रैंकिंग है इट विल बी रिलीज्ड बाय 4th दिसंबर 2024। और डॉक्यूमेंट सबमिशन की आप मुझसे बात करेंगे तो ये जो डॉक्यूमेंट है आपको ये ऑनलाइन सबमिट करना है इस पोर्टल पर, यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, इस पोर्टल पर आपको ऑनलाइन सबमिशन करना है ऑफ योर ऑल 3 डॉक्यूमेंट्स। नाउ इन केस इफ यू आर प्लानिंग कि यार मैं खुद से अगर मेरी इससे वैल्यू निकाल कर देखूं तो क्या करना है कैसे करना है, तो ये दोनों वीडियो आपके लिए। सबसे पहले आप इसे पारिफिका तो समझिए एंड देन कैलकुलेट योर इससे वैल्यू, तो ये दो वीडियोस को जरूर चेकआउट करिएगा। नाउ लेट अस टॉक अबाउट द यूनिवर्सिटीज़ की कौन कौन सी यूनिवर्सिटीज़ आती है इसमें। द फर्स्ट इज यूनिवर्सिटी ऑफ बोलोनिया, यूनिवर्सिटी ऑफ पार्मा, यूनिवर्सिटी ऑफ फेरेरा एंड यूनिवर्सिटी ऑफ मोडेना, ये चारों यूनिवर्सिटीज़ है जिसमें हम डील करते हैं, एंड दिस कम्स अंडर दिस रीजन, सो आपके लिए ये स्कॉलरशिप लगने वाली है। सो यस, स्कॉलरशिप सीरीज की वीडियो नंबर 3 में इतना ही था, आगे और भी रीजन्स है और आगे और भी वीडियोज आने वाली है, उसके लिए सब्सक्राइब करिएगा। आपकी यूनिवर्सिटी ढूंढ रहे हैं, रीजन ढूंढ रहे हैं, हमको बताइए कमेंट सेक्शन में, उस रीजन की भी हम वीडियो लेकर आएंगे। डॉक्यूमेंट सीरीज चल रहा है उसके लिए थोड़ा वो बने रहिएगा हमारे चैनल पर। टिल देन स्टे ट्यून्ड एंड यस थैंक्स फॉर वॉचिंग।